तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में एडिटिंग का चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे ऑटोसम फील, क्लियर फ्लैश फील, इस सब के बारे में। तो जैसे कि अब बात करते हैं कि ऑटोसम के बारे में, हम कुछ नंबर्स लिखते हैं और मान लीजिए नीचे इसका सम करना हो तो जनरली आप क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और एंटर मारते हैं, तो आपको यहाँ पे आ जाता है। आ गया सर? लेकिन अगर मान लीजिए मुझे फॉर्मूला ना लगाना हो तो आप यहां देखिए ऑटोसम है, इस पर आप डायरेक्ट ऑल्ट एंड इक्वल प्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, ऑल्ट इक्वल ऑटोमेटिक कोई सम लग जाता है, फिर आपको सम लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सम आपको लगा देता है। ऑल्ट इक्वल बाद आपको कुछ और फॉर्मूला सम के अलावा लगाना हो तो इसे ड्रॉप कीजिएगा, एवरेज है क्लिक कीजिएगा, एवरेज लग जाएगा। ऐसे आपका काउंट नंबर है, काउंट ए लग जाएगा, काउंट फॉर्मूला, मैक्स मीन और बाकी फंक्शन भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फिल की। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया और कोई भी फॉर्मूला, जैसे मैं रैन बिटवीन ही ले लेता हूं, मैं रैन बिटवीन लिया और यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करते ही क्या होगा, सिर्फ एक सेल में आएगा, मुझे बाकी में इसको कॉपी पेस्ट करना है, इस फॉर्मूले को एक एरिया में कॉपी पेस्ट करना है। मैं सिलेक्शन कर लिया, अब कंट्रोल डी करेंगे तो डाउन में आ जाएगा। आ गया सर? और कंट्रोल आर करेंगे तो ये जो चीजें है राइट में फिल हो जाएगी। ये चीजें यहां पर दी गई है, डी फॉर डाउन एंड आर फॉर राइट, यहां से आप कर सकते हैं। ओके ओके आप और लेफ्ट के लिए शॉर्टकट नहीं है, बट आप इससे ऑप्शंस कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लिया, मुझे इसी की चीज ऊपर में फिल करना है तो इसको आप कर दीजिए, ऊपर में आ जाएगी। ऐसे आपका लेफ्ट का भी है। बात करते हैं एक्रॉस वर्कशीट की। एक नई शीट लेते हैं, देखिए एक्रॉस वर्कशीट आपका डिसेबल है, अनेबल नहीं है। ये क्या होता है, आपको याद होगा जब मैंने सिलेक्शन मेथड पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हम एक साथ कई सारे शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। सेम एक्रॉस वर्कशीट ही होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे डेट दे दिया और यहाँ पे हमने डेट डाला और इसी सॉरी टाइम हो गया, हाँ डेट डाला और इसी डेट को बाकियों में कॉपी करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे और शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, ये आपका ग्रुप हो जाएगा। अब कहीं भी पेस्ट करते हैं तो आपका सेम चीज आता है, सेम लोकेशन में आपका डेटा एक साथ सारे शीट पे पेस्ट हो जाता है। लेकिन मैं एक चाहता हूं कि मैंने यहां पे टाइम डाला हुआ है, यहां पे नंबर फॉर्मेटिंग कर देता हूं। अब इसमें क्या है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में सिलेक्ट है। अब यहां देखिए अक्रॉस वर्कशीट आपका हाईलाइटेड है, तो ये सिलेक्टेड है टाइम और सिलेक्टेड है आपका टाइम जोन। मैंने क्रॉस वर्कशीट पे गया, अगर मैंने ऑल किया तो जैसा यहाँ पे है बाकी सब पे सेम चीज पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं कंटेन करता हूँ तो सिर्फ कंटेन पेस्ट होगा, अगर फॉर्मेट करता हूँ तो सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है। क्रॉस वर्कशीट इसी चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, आप उसको जनरली कॉपी पेस्ट भी करते हैं। अब बात करते हैं सीरीज की। जैसे आप सीक्वेंस नंबर लिखते हैं तो वन लिखा, टू लिखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ आप क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आप ड्रैग कर देते हैं। लेकिन आप बिना ड्रैग किए सीरियल नंबर कैसे बनाएंगे? हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां पे गया सीरीज, सीरीज में हमने यहां पे दिया लीनियर स्टेप स्टेप वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू में यहां पे 10 कर दिया, देन अगर हम 10 नहीं भी करते हैं, कुछ लिखते भी नहीं तो सिलेक्टेड होगा, उतने में सीरियल नंबर बन जाएगी।
अगर आप यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो दे दिया, यहाँ पे दो दो का गैप आएगा, 1 3 इस तरह से आएगा, तो सीरीज में यहाँ होता है। अब ग्रोथ की बात करें, अगर हमने इसमें ग्रोथ सिलेक्ट कर लिया और 2 हो गया, अब सब में ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो ग्रोथ इसके लिए लीनियर होता है सिक्वेंस के लिए, ग्रोथ होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। हाँ, इसमें अगर डेट है आपका तो डेट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दिए डेट, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम सीरीज पे आते हैं, डेट यहाँ पे डे वाइज चाहिए, डे वाइज आ गया, सीरीज में यहाँ पे वीक डे वाइज आया, वीक डे वाइज आ जाएगा। इसमें सैटरडे एंड संडे इग्नोर हो गया, सैटरडे संडे नहीं आया, तो सीरीज में यहाँ पे मंथ चाहिए तो मंथली आ जाएगा, ईयर चाहिए तो ईयरली आ जाएगा। तो यहाँ पे इस सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो सीरीज समझ में आ गया आपको सर? राइट सर। डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है, अब सीरीज के बाद आता है यहाँ पे फ्लैश फील्ड। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा, नेम दे देता हूं, पूरा दे देता हूं, हमारे पास नेम है, मैं इसमें से फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को अलग करना चाहता हूं। यहां पे हमने पूजा को लिखा और एंटर मारा, इस पे कर्सर रखिए और यहां पे फिल में फ्लैश फिल, फ्लैश फिल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूजा को आइडेंटिफाई करेगा और पूजा के पोजीशन के हिसाब से बाकी सारे नेम की पोजीशन अलग कर देगा। लास्ट नेम में मुझे सिंह चाहिए, हमने सिंह दिया, इसको सिलेक्ट किया और सेम फ्लैश फील अलग कर दिया। ऐसे मान लीजिए आपके पास डेट भी है, जैसे कि हम यहां पे कोई डेट डाल देते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए मंथ अलग करना है, मैंने मंथ जैन लिखा और फ्लैश फिल किया, जैन 5 मार्च आ गया। अब यहाँ देख लीजिए मैंने कैप्स में लिखा तो कैप्स में अलग किया है सर, अगर मैं स्मॉल में इसमें टाइटल केस में किया, अब देखिए टाइटल केस में अलग करें। ऐसे मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं, 4 डिजिट्स के नंबर्स हैं, मुझे इसमें से फर्स्ट डिजिट को अलग करना है, फर्स्ट 12 हमने लिखा, इसको सिलेक्ट किया और यहां से हमने किया फ्लैश फिल। ऐसे अब कुछ डेसिमल प्लेसेस हैं, जैसे कि 25.63, 96.32, 12.35, 8.86, मुझे इसमें से डेसिमल्स को अलग करना है, जो डेसिमल्स है पॉइंट्स में है उसको अलग करना है, तो 0.63 किया और इसके ऊपर हमने कर दिया फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल समझ में आ गई आप लोगों को? राइट सर। सर उसके ऊपर जस्टिफाई करके ऑप्शन हो क्या है? मैं बताता हूँ, वन बाय वन बताऊंगा सर। ओके ओके। अब जस्टिफाई की बात अब कर रहे हैं तो चलिए जस्टिफाई बता ही देता हूँ आपको। क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे लिस्ट होते हैं, चाहे नेम का कुछ का हो, तो मुझे हमें यहाँ इस तरह से एक ही सेल में कॉमा करके चाहिए। हालांकि 2019 की बात करें या ऑफिस 365 की, उसमें टेक्स्ट ज्वाइन नाम का फॉर्मूला आ गया है, जिससे आप इजीली एक रेंज को कर सकते हैं।
एक रेंज को सिलेक्ट करके कॉन्केट कर दीजिएगा, हो जाएगा। बट ए लेटेस्ट वर्जन में, ओल्डर वर्जन में इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको कॉन्केट फॉर्मूला एक एक करके वन बाय वन इस तरह से फॉर्मूला अगर करते हैं तो करना पड़ता है, समझे? इस तरह से जो बाकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने कॉलम को ब्रा कर देते हैं या और हम यहां जस्टिफाई कर देते हैं। ओके, अब जस्टिफाई का मतलब ये नहीं है कि एक ही कॉलम में सबको कर देता है, एक ही सेल में कर देता है। जितना बड़ा कॉलम का साइज होगा उसके हिसाब से करेगा, अगर साइज कम हुआ तो वो बाकी जो है वो नेक्स्ट सेल में कर देगा। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसमें कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो कॉमा बाद में आप स्पेस को कॉमा से रिप्लेस कर दीजिए, क्या स्पेस होता है ना, स्पेस को कॉमा से रिप्लेस कर सकते हैं आप इस तरह से। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा आया है मुझे रो बाई चाहिए, मैं उल्टा करना है वापस सही करना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कॉमा को स्पेस से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद कॉलम के साइज को छोटा करेंगे, सेलेक्ट करते हैं और यहां पे जस्ट क्या ओके। अब बात करते हैं क्लियर की। जैसे मान लीजिए इस डेटा के ऊपर हमने फॉन्ट वगैरह फॉर्मेट वगैरह बॉर्डर वगैरह अप्लाई किया, अब मुझे इसको क्लीन करना, तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने से पूरा पूरा का पूरा कॉलम एंड रो हिल जाता है सर, पूरा फॉर्मेट हिल जाती है। और दूसरी चीज, अगर इससे भी फॉर्मूला लिंक है वहां पे आर एफ एरर आ जाएगा, तो मुझे जस्ट डेटा ही क्लीन करना है ना, मुझे हटाना है, तो पूरी कॉलम डिलीट करने की जरूरत क्या है, या रो डिलीट या फिर सेल डिलीट करने की जरूरत क्या है, हम इसे क्लियर ऑल कर देते हैं। हो गया सर क्लियर? ऐसे ही क्लियर फॉर्मेट कीजिए, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। ऐसे आपका कमेंट कीजिए, कमेंट नोट्स वगैरह यहां से आप इसको क्लियर कर सकते, ठीक है? ओके सर। तो अभी आप लोगों का होमवर्क ये है जो आपको करना है कि मुझे फ्लैश फिल के तकरीबन 20 एग्जांपल देंगे, ठीक है? इस फ्लैश फिल के 20 एग्जांपल बनाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और बाकी सीरीज भी अच्छा है, सीरीज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जस्टिफाई भी अच्छी है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल हम बात करेंगे सॉर्टिंग एंड फिल्टर के बारे में, ओके? ओके सर। फिल्टर के टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसलिए आज दो टॉपिक को मिक्स करेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो आज रहने देते हैं।